जल्दी बना वीडियो। दोस्तों एक नए तरीके का स्कैम आया है मार्केट में, फ्रॉड आया है वैक्सीन के नाम पे, डोज के नाम पे। वो क्या कैसे चल रहा है मैं अभी लाइव आप लोग को सुनाऊंगा। वीडियो को आग की तरफ फैलाना, सभी हिंदुस्तानी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। चलिए आप लोग को सुनाते हैं कैसे हो रहा है ये स्कैम। आप एक बार फिर से बोलना, मेरा एक दोस्त है उसने भी नहीं लिया है, तो आप एक बार उसे समझा दो, ठीक है? अच्छा, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं बता रही थी कि ये जो बूस्टर डोज है उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैडम मेरा तो अभी एक भी डोज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर फर्स्ट सेकंड भी बाकी है। फर्स्ट डोज का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बस जो ओटीपी जाएगा आप मुझे आप देंगे तो फिर आपका काम इजी हो जाएगा, नंबर वंबर लगाने की जरूरत नहीं होगी सर। अच्छा अच्छा, और जिन लोगों ने मतलब स्पेशली आपने कॉल किया है वैक्सीन के लिए, जिनको भी डोज नहीं पड़ा है, सिर्फ बूस्टर के लिए या सभी डोज के लिए? सभी डोज के लिए सर, सभी डोज के लिए। जिनका पहला क्लियर नहीं है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सेकंड डोज वाले भी कलर करवा सकते हैं। कहाँ से आप बोल रही हो? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? हेल्थ विभाग से। हेल्थ डिपार्टमेंट से। अच्छा, ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसके थ्रू आप लोग काम कर रहे हो? ओके ओके, इसमें करना क्या होगा एक बार आप फिर से बता दीजिए, हम लोग अभी करवा लेते हैं। सर आपका नाम देना होगा, ठीक है, और जो भी डिटेल्स है आधार कार्ड का वो मैं आपका, आप मुझे डिटेल्स देंगे। अच्छा। उसके बाद मैं वो रजिस्ट्रेशन करूंगी, उसके बाद फिर आपके पास जो ओटीपी जाएगा सर, बस ओटीपी आप मुझे देंगे, देन आपका फिर नंबर लगेगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा फिर आपको कॉल जाएगा पर्सनली, फिर आपको जहाँ पे उसका बना है आप वहाँ जाकर इंजेक्शन ले सकते। नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन तो मैं ऑनलाइन या फिर वहाँ पे जाकर के सेंटर पे भी तो कर सकता हूँ ना सर? इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपका अभी जो ऑनलाइन जो अभी चल रहा है ना, बहुत सारा सर्वर डाउन चल रहा है सर। अच्छा। तो आप मेरा, आप लोगों को जो बताया गया है कि हम लोग को जो स्कीम दिया गया है, जैसे हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल अच्छा होता है, कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोग का कोई सर्वर डाउन प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। आप लोग से हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर हम लोगों को आप मुझे आप एक बार दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन एकदम हैंड टू हैंड एकदम जाएगा, और बस आप ओटीपी दीजिए, नंबर आपको एकदम मिल जाएगा। आप अपने फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं सर, आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा, जिनका भी बाकी है बूस्टर डोज हो या कुछ भी हो उन लोगों को हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, आपका नंबर मैं शेयर कर दूं सबको? हाँ सर, कर कर सकते हैं। आपका नंबर पुलिस को शेयर कर दूं मैं? पुलिस को क्यों शेयर? मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हूँ और हमारा कोई ऐसा स्कीम तो चल नहीं रहा अभी सर। नहीं, अगर आपको दिक्कत है मैडम, आप लोग ऐसे जो काम कर रहे हो किसी को फंसाने के लिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको जॉब चाहिए, नौकरी, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको नौकरी दिलाता हूँ। लेकिन ये सब तरीका सही नहीं यार, एक तो लॉकडाउन में सब लोग ऐसे परेशान थे, ऊपर से आप लोग लूट रहे हो, लूटने का ये तरीका एक्चुअली आता कहाँ से आप लोगों को? सर आप गलत समझ रहे हैं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं सर, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली बात कि ऐसा कोई स्कीम तो है नहीं, और स्कीम होता तो ये घर घर पहुंचता है आजकल टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये स्पेशली आप ही को सिर्फ क्यों पता है? नहीं, वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैडम सुनो ना, आप कॉल रखना मत, कम से कम नहीं आप सुनो ना, आपको मैं बोल रहा हूँ, ये कॉल जो है ना आपका वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और पुलिस को भी बताऊंगा और लोगों को भी बताऊंगा जागरूकता के लिए, क्योंकि जहां तक लगता है आप लोगों की सबको बेवकूफ बना लोगे, और पता नहीं कितने लोग फंस भी गए होंगे, फंसे तो होंगे ऑब्वियस ही बात है, ओटीपी जाएगा और लोगों को नहीं पता होता है, लोग हड़बड़ी में आजकल थर्ड फेज के नाम पे भी हड़बड़ा रहे हैं और ओटीपी वो शेयर करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप एक लड़की हो, इज्जतदार लड़की हो, मैं कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब काम मत करो यार, किसी का मेहनत का पैसा होता है। आपको कोई नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए, आप बिल्कुल मेरे पास आइए, मैं आपको दिलवाऊंगा, लेकिन ये सब गलत काम मत कीजिए। आपका कोई भी गिरोह होगा उनको भी ये बात बताइए, मुझे पता है ये कॉल कटेगा, आप दूसरे जगह नंबर मिला लोगी, और ठीक है आप नंबर मिलाना, लेकिन ये वीडियो तब तक इतना वायरल हो चुका होगा ना कि आपको फिर कोई भाव नहीं देने वाला, नहीं, सर, सर, आपको गालियां ही पड़ने वाली है, मैं तो अच्छे से बात भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये करोड़ों लोगों तक इंस्टेंट पहुंचेगा वीडियो, ये जो नए तरीके का स्कैम है ना आपका, ये आप फंस चुके हो गलत जगह। मेरा नाम है निशांत सोनी, मैं खुद एक एनएस की दुनिया चैनल चलाता हूँ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे, आप भी देखना,
और मैं ऐसे ही अवेयरनेस वाले वीडियो बनाता हूँ। आज आपने मेरे दोस्त के पास फोन करके गलती कर दी, हम लोग एक ही जगह बैठे थे। ओके क्या आप ये गलत कर रही हो ना सर? मैं देख लूंगी। नहीं क्या देख लोगी यार, ये गलत कर रहे हो आप लोग, नहीं करना चाहिए। नहीं क्या, सॉरी दोस्तों, कुछ बोलने समझाने की जरूरत है नहीं। मेरा काम था अवेयर करना, मैंने दिखा दिया, और आपका काम है सतर्क रहना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जय हिंद।